हेलो भाई लोग, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्लैम जोन पे। तो भाई जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज टीम वन पे हैं जॉन सीना, कोडी रोड्स, रोमन रिंग्स, ब्रोक लेसनर, ट्रिपल एच, रैंडी ओटन, अंडरटेकर और सोलो सिकोवा। तो चलिए मैच शुरू करते हैं, देखते हैं कि भाई क्या होता है। और अपने ये मैं बता दूँ, ये ओरिजिनल वाले ब्रोक लेसनर हैं, ना कि कोई मैंने कम्युनिटी क्रिएशन वाले। It's a तो submission ये match. मैच That काफ़ी ज़्यादा means the खतरनाक winner होने वाला है। has मैच to स्टार्ट हो make चुका है। a ब्रोक submit. लेसनर, ओ भाई, इस ट्रिपल एच ने भाई स्टार्टिंग में ही लगा दी यार, पिटिंग भी नहीं, रिवर्स हो जाएगा। चलो ब्रोक लेसनर अपना बचा तो लिया, लेकिन देखते हैं ट्रिपल एच कितनी देर बचते, क्योंकि भाई पिछले मैच में तो ब्रोक लेसनर ने भाई तोड़ा तोड़म तोड़ी मचा दी थी। ये वाले ब्रोक लेसनर परफॉर्मेंस भाई मैं कहूँगा ओरिजिनल ट्राइबल चीफ जैसी है, मैं उससे भी बेहतर कहूँगा मैं तो। क्योंकि भाई इतने महीनों बाद तो ओरिजिनल ब्रोक लेसनर मिले हैं हम लोग को WWE में। देख रहे हो ना परफॉर्मेंस ब्रो, सभी के पास सुपर फिनिशर है। ट्रिपल एच के पास भी था लेकिन भाई यूज नहीं कर पाए। सभी के पास सुपर फिनिशर है, तो भाई एक कांड हो सकता है अपने पास, लेकिन काफ़ी अच्छे हैं उस अपने अपोनेंट के पास भी काफ़ी अच्छे सुपरस्टार हैं। टर्न करने का प्लान है, F5 लगाने जा रहे थे वैसे ब्रोक लेसनर, लेकिन लगाने एक सोचे नहीं, मुझे लगा था रिवर्स का वो भाई ब्रोक लेसनर मारने के इरादे में, ना कि नॉकआउट करने के। स्टंट हो जाएंगे मुझे लग रहा है, तभी फिनिशर लगाएंगे। स्टंट हो गए वो नहीं हुए यार, ट्रिपल एच भी काफ़ी खतरनाक था। स्टंट हो गए मुझे लग रहा था यार, इस बार स्टंट हो जाएंगे। क्या कर रहे हैं ब्रोक लेसनर, डिस्क्वालिफिकेशन वैसे ऑन है, बाहर जाओगे तो भाई टाइम आउट भी 5 सेकंड का है, ज़्यादा नहीं रखा मैंने। F5 नहीं लगा रहे, पिछले मैच में तो भाई इतनी जल्दी जल्दी F5 लगाया था कि भाई तीनों बंदे नहीं पड़ गए थे 2 मिनट के अंदर। ट्रिपल एच टैग देने जा रहे हैं रैंडी ओटन को, मुझे लग रहा है टैग दिए। हाँ चलिए ओटन वर्सेस ब्रोक लेसनर। और भाई ओटन ओटन सबसे पहले पता है ना क्या करते हैं, स्पियर भाई आरक्यू लगाने ही वाले थे तो F5 लगा दिए। चलो रिवर्स कर दिए क्या यार से भाई, ये वाले ब्रोक लेसनर के, ब्रोक लेसनर का जो फिनिशर है F10 है और F5 भी है। F6 से 3-4 फिनिशर है, मैंने अभी चेक नहीं किया लेकिन भाई 3-4 है। वैसे ब्रोक टैग टैग दे दें तो ज़्यादा सही रहेगा रोमन को। ओ भाई रैंडी ओर्टन सुपर फिनिशर की ओर जा रहे थे रोप वाला आरक्यू लगाने को, लेकिन भाई थोड़ा सा छूट गए, ब्रोक ने रिवर्स कर दिया। अब लगाएंगे मुझे लग रहा था भाई लगाने ही जा रहे हैं, उनके इरादे तो चेहरे पे दिख रहे थे। लगा दिया, रिवर्स कर दिया ब्रोक लेसनर ने। ब्रोक लेसनर फिनिशर से फिनिशर छीन रहे हैं लेकिन लगा नहीं रहे। ब्रोक लेसनर सही टाइम यार, इतना ज़्यादा मान मैं कहूँ पिछले मैच में तो इतना बवाल काटा लग रहा है इस मैच में, मैंने कह दिया तभी कुछ नहीं कह रहे कर रहे हैं, नहीं तो भाई पिछले मैच की तो मैं बात ही नहीं करूँगा यार। रोमन रेंस भी थोड़ा नाराज है ऐसा लग रहा है, डबल टीम अप हो चुका है भाई। नहीं हुआ नहीं हुआ, चलो रिवर्स नहीं किया, मुझे लग रहा है रिवर्स कर देंगे ब्रोक लेसनर। यार यहाँ परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन हो रही है, ट्रिपल एच को देख रहे हो, ट्रिपल एच और दो अंडरटेकर सर को। चलो अब अपने ब्रोक लेसनर फॉर्म में क्यों नहीं आ रहे हैं आज, और टैग मांग रहे हैं सीना को, टैग मिल गया है लेकिन काफ़ी लंबे स्टे थी, सीना से बचा लिया, लगा दिया। ओ भाई रिवर्स कर दिया रैंडी ओर्टन, काफ़ी ख़तरनाक आदमी है, बिना बताए तो डायरेक्ट आरक्यू दे दिया, 1% मौका भी नहीं दिया, 1 सेकंड का मौका भी नहीं दिया। क्या लगता है सबमिशन होगा, चलो कोडी बचा लेंगे, टक्के से आवाज आई यार, कोडी ने मारा है मुझे लग रहा है रैंडी ओर्टन को। चलो लगा दिया, लगा दिया कनेक्ट हो गया पूरी तरीके, इसमें भी डबल रिवर्सल है मैं बता दूं। सबमिशन मैच है तो भाई सबमिशन ही लगाएंगे, पिन मैंने शायद ऑफ कर रखा है, अंडरटेकर सर ने बचा लिया, कोई नहीं तो यार सबमिशन थोड़ा जल्दी लगता नहीं है। तो सोलो सिको को टैग मिल सकता है, मिल गया सीना, ओह सोलो सिको सुपर फिनिशर लगाने जा रहे थे यार, सीना ने पूरी तरीके से प्लान पे पानी फेर दिया सोलो को, ध्यान दो। ओ भाई लगा दिया, कनेक्ट हो गए कि नहीं, रिवर्स कर दिया सीना ने, अपना फिनिशर वापस गेन कर लिया है तो। हाँ चलो एक लगा दिया,
और नॉकआउट मैच है तो भाई इसमें एलिमिनेशन भी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं इस बार कौन बचाने आता है। इस बार मुझे लग रहा है कि ट्रिपल एच रैंडी ऑर्टन आ गए। कोई नहीं लगा दिया। क्या लगता है सोलो सिको की, सोलो सिको चले जाएंगे? नहीं, क्या लग रहा है अगली बार जाएंगे यार। ये चीज़ सही किया है क्योंकि ने शायद फिक्स कर दिया मुझे लग रहा है, लेकिन यार पिछले मैच में तो ऐसा नहीं किया, मैं कह नहीं सकता हूँ। और मैच में लगता है कि फिक्स कर दिया, लेकिन दो एक दो बार ऐसा कांड हो जाता है कि नहीं लगता कि कुछ फिक्स नहीं किया और ख़राब कर दिया। सोलो सिको ने रेजिलेंसी नहीं यूज किया यार, काफ़ी अच्छे थे लेकिन काफ़ी क्या स्टार्टिंग से मार खाए, मार ही तो खा रहे हैं। पूरा मान गए अपनी फॉर्म में वापस आ रहे हैं, लेकिन सोलो कभी भी अच्छा नहीं खेलता। सोलो की टीम ही अच्छा खेलती है मैं कहूँगा। सीना सही समय, सीना के पास एक सिग्नेचर ऑफ फिनिशर भी आने वाला है एक लात, और जहाँ तक मुझे लगता है कि सीना के पास फिनिशर आ जाएगा। चलो सीना उठ गए, ये क्या कर रहे हैं? फोन ड्रॉप दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। सीना के पास एक फिनिशर आ गया, चलो रिवर्स कर देना। सीना ने रिवर्स नहीं कर पाए भाई, एक बार भी एलिमिनेट हो गया। पहला मुझे लगा ये पहला फिनिशर था यार सीना का। नॉर्मल सबमिशन दे रहे हैं ब्रॉक लेसनर को भी, कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं होगा। फोर ऑन थ्री का मैच हो गया है, काफ़ी सही है। फिर भी ब्रॉक लेसनर से वैसे काफ़ी उम्मीदें हैं मेरी, काफ़ी डबल टीम अप कर लो ब्रॉक लेसनर। रोमन का आना थोड़ा ज़रूरी हो गया, कोड ही आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इन दोनों का मैच समर स्लैम में सही हुआ था, रोमन अभी बीच में आएंगे इसके बाद जहाँ तक मुझे लग रहा है। चलो क्या लगता है सुपर फिनिशर लगाएंगे कि नॉर्मल फिनिशर लगाया तो भाई ज़्यादा सही, क्योंकि अगर सुपर फिनिशर लगाते हैं कोडी, चलो नॉर्मल में ही चल रहे हैं। सोलो निकल गया, बोले सीना ने दो फिनिशर लगाए थे मुझे लग रहा है, ये सोलो के रिवर्स हो सकता है, नहीं हुआ, कोई नहीं। कोडी का पहले ही बॉडी वॉडी कोई डैमेज नहीं है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन अब 3-on-3 का मैच हो गया और सबमिशन दे रहे हैं यार, कितने खतरनाक लग रहे हैं ट्रिपल एच। तो रोमन तो हवा में चला रहे थे यार, लेकिन काम कर गया, कोई नहीं। तो दोबारा ट्रिपल एच सर दोबारा फिनिशर लगाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, देख रहे थे ना, लगाने ही जा रहे थे। रैंडी ओटन यार, रैंडी ओटन लीगल आदमी नहीं, ज़्यादा ध्यान ना दो वहाँ पर। रोमन अंदर कर दो, नहीं तो भाई कोडी रोस ये तो ये मार खाते रहेंगे। तो ट्रिपल एच भी अंदर आ गए, लेकिन अब कोडी बाहर आ गए। ओ भाई ये सीना जा रहे थे, मुझे लगा भाई ये क्या है। ओ भाई ब्रॉक लेसनर को ज़्यादा ही तगड़ा दे दिया। कोडी पीछे ध्यान दो, ट्रिपल एच सर काफ़ी ख़तरनाक आदमी है। फिर देखा मैंने कहा था ना, नेक ब्रेकर दे दिए, बहुत डैमेज तो हुआ है। वैसे हेड देख रहा कोडी का ऑरेंज हो गया है, तो कोडी फिनिशर लगाने जा रहे थे, लगा दिया, कनेक्ट हो जाए बस, कनेक्ट हो, सुपर फिनिशर लगा दिया कोडी ने। ट्रिपल एच का बचना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, लेकिन अगर कोई भाई बचाने को ही आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, दोनों की एंट्री बंद है। ट्रिपल एच भी एलिमिनेट हो गए, 3-on-2 का मैच हो गया है फिर से। रैंडी ओटन भी बिल्कुल सही जगह जा रहे थे यार, रैंडी ओटन सिचुएशन कैसी भी आरके देना नहीं भूलते हैं। चलो रोमन को टैग मिल गया है, कम से कम काफ़ी देर बाद मिला है वैसे। कोई नहीं, रोमन पूरी सुपरमैन पंच के साथ डायरेक्ट एंट्री की है, सुपरमैन और रैंडी ओटन को तो फर्क भी नहीं पड़ा यार, डायरेक्ट उठ गए, देख रहे हो रैंडी ओटन को। मैंने कहा सिचुएशन कैसी भी हो रैंडी ओटन संभाल लेते हैं अपने आरके, अगर उनके पास आरके हुआ तो। पिछले मैच में तो भाई पूरा मैच ही बदल दिए थे भाई, स्टार्टिंग से भाई जो दोनों प्लेयर डाउन हो गए पूरा मैच, रैंडी ओटन ने घसीट लिया पूरा, जीत भी गए, सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। लेकिन थोड़े जवान वाले रैंडी ओटन थे, चलो जी वो स्टंट हो सकते हैं वैसे रोमन हो गए यार। वैसे रैंडी के पास ओटन के पास सिग्नेचर भी है, फिनिशर भी है। लगा दिया भाई वैसे रोमन का भी केवल हेड ही डैमेज है,
कोई दिक्कत नहीं है, रोमन उठ गए। हाँ सही है, रोमन के पास सुपर फिनिशर है, मैंने कभी यार चेक नहीं। ओ भाई इज वाला कांड हो गया, अक्सर हर गेम में इज के साथ यही हुआ करता था यार, पहला फिनिशर उनका हमेशा बिल्कुल काम ही नहीं किया है। चलो डबल टीम अप कर लिया है रैंडी ओटन ने अंडरटेकर सर के साथ, अच्छे अंडरटेकर सर के पास भी सुपर फिनिशर है, इसमें काफ़ी ख़तरनाक वाला फिनिशर है मैं कहूँगा। चलो स्पियर लगा दिया, रोमन ने स्पियर लगा दिया है, सुपर फिनिशर था कि नॉर्मल था? नॉर्मल था भाई, क्योंकि भाई एनिमेशन मैंने ऑफ कर रखा है तो पता नहीं चलता कि सुपर फिनिशर लगा रहे हैं कि नॉर्मल, क्योंकि भाई तीन तीन फिनिशर सभी को दिया था स्टार्टिंग में। ओटन ओटन ने आके बचा लिया भाई, लेकिन बचना तो वैसे भी था, अगर ना भी आते हैं तो भी अंडरटेकर सर बच ही जाते हैं। जैसे ब्रॉक लेसनर ने अभी एक बार भी अपना F5 अभी इस मैच में नहीं दिखाया है, इसके बाद अगर रोमन इसको भी हेड ऑरेंज नहीं हुआ, बॉडी बॉडी थोड़ा येलो हो गई, लेकिन भाई काफ़ी सही है, टॉम स्टोन दिया था, हेड डैमेज होना चाहिए लेकिन बॉडी डैमेज हो गई। हाँ रोमन रैंडी के ऊपर भिड़े हुए हैं भाई, और अंडरटेकर अपनी पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हैं ब्रॉक लेसनर के साथ, टैग टूटी साथ सभी, अंदर आ जाओ रोमन, अंदर अंदर कोई नहीं, अंदर ले आओ, अंदर 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 ले आओ, ग्रीटिंग लगाने के ग्रीटिंग स्पीयर लगाते तो यार ज़्यादा सही रहता है, वो मुझे लग रहा है कि ना होता यार, ये हो गया। तो भाई दोनों एलिमिनेट हो गए, अंडरटेकर भी और रोमन भी। चलो अभी अपने पास ब्रॉक लेसनर है यार, उनका मैच देखते हुए ब्रॉक को क्या हो गया, कंफ्यूज हो गए यार, जाए तो जाए कहाँ भाई, कुछ भी कहो देखने भाई, ये वाला काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा था, ये वाला जो रैंडी ओर्टन ने दिया है ना आरक्यू, खतरनाक था। टैग दे दो कोडी, ब्रोक को टैग दे दो, ये मैच ब्रोक ही ख़त्म करे तो ज़्यादा सही है। हाँ फाइनली ब्रोक को टैग मिल गया है, काफ़ी मशक्कत किया है स्टार्टिंग में, थोड़ा ध्यान नहीं दिया ब्रोक ने, क्या लगता कैच कर, वैसे ही उन्हें एबिलिटी नहीं है यार, ये 2K24 में नहीं है, वरना 2K90 में थी, याद आ गया 2K90 में यार सबसे सही थे यार, ये फीचर कैच कर लेते थे रैंडी ओर्टन, अगर आप लोग कहोगे तो भाई मैं उसको दिखाऊँगा, काफ़ी सही था यार कैच करने वाला। मैंने रोमन का शायद स्पीयर, हाँ जेफ हार्डी के भाई बहुत सही था वो, आज भी मुझे याद है मैंने फर्स्ट टाइम जेफ हार्डी का फिनिशर कैच किया था, ऊपर से था, मैंने कहा था ब्रॉक लेसनर ही मैच ख़त्म करेंगे, जो कि ख़त्म कर दिया, स्टार्टिंग से आते थे यार ज़्यादा मैच सही होता, लेकिन कोई नहीं, चलिए मिलते हैं अगले मैच में।